जमशेदपुर के नए डीएफओ के रूप में सभा आलम अंसारी ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान डीएफओ ममता प्रियदर्शी से पदभार ग्रहण किया। बता दें, सभा आलम अंसारी वर्ष 2015 में जमशेदपुर डीएफओ के रूप में अपनी सेवा 3 वर्षों के लिए यहां दे चुके हैं और दोबारा उन्हें जमशेदपुर की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वन विभाग कार्यालय में तमाम अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे अपने दायित्व को निभाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में वन विभाग द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही थी उसे वो लगातार जारी रखेंगे, साथ ही वन रोजगार से ग्रामीणों को जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जमशेदपुर फॉरेस्ट डिवीजन मेरे लिए हमेशा ही बहुत ही भाग्यशाली एवं सौभाग्य प्रदायक रहा। जमशेदपुर फॉरेस्ट डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जहाँ मैंने एज एन अटैच्ड ऑफिसर भी काम किया था। यहीं से मैंने ट्रेनिंग पाई थी और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं जमशेदपुर फॉरेस्ट डिवीजन में एज डीएफओ 2020 में पोस्टेड हुई। मेरा कार्यकाल लगभग 4 साल का पूरा रहा है। इस कार्यकाल में यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों से मुझे बहुत ही प्यार और अपनापन मिला है। यहाँ के लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर की, जिसकी वजह से मैं कुछ डेवलपमेंटल स्कीम्स यहाँ पर लेकर आ सकी थी। यहाँ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया है और हमने सारे गेस्ट हाउसेस को रेनोवेट किया है। साथ ही हरेना में हमने बायोडाइवर्सिटी पार्क के निर्माण का एक प्रयास किया है, जिसका कि इनॉग्रेशन अभी इलेक्शंस के पहले हो जाएगा। साथ में चकोलिया में भी एक बड़ा सा पार्क हमारा प्रस्तावित है, जिसका इनॉग्रेशन अभी जस्ट इलेक्शंस के पहले किया जाएगा। इसके अलावा और भी 5-6 पार्क्स प्रस्तावित है जो कि आने वाले समय में अपने समय पे पूरे कर लिए जाएंगे। अगर मैं इस डिवीज़न की बात करूं, तो इस डिवीज़न ने मुझे लाइवलीहुड मिशन, लाइवलीहुड ऑप्शंस पे भी काम करने का मौका दिया है। हमने काजू के डेवलपमेंट के लिए भी कुछ प्रयास किया है, ऑयल सीड्स के प्रोसेसिंग के लिए भी हमने कुछ प्रयास किया है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेरी पहली पोस्टिंग जमशेदपुर वन प्रमंडल में 2015 में हुई थी और लगभग 3.5 साल मैं यहाँ पर काम किया हूँ। और लगभग 890 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का एरिया है, काफ़ी प्रेस्टिजियस डिवीज़न है। मुझे दोबारा सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ पर आकर के एज ए प्रमंडल वन प्रमंडल पदाधिकारी यहाँ पे काम करूँ। हमारे मैम ने काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर किया है और काफ़ी योजनाओं को चालू किया है और आगे चल करके मैम के योजनाओं को मैं अच्छे तरीके से पूर्ण करूँगा। और उनका जो उद्देश्य था और जो उनकी जो बात थी वो सारी बात हम उसको कंप्लीट करेंगे, अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। रही बात लाइवलीहुड की, मुझे जितने ग्रामीण लोग हैं तो उनको वन रोज़गार से जोड़ने का मेरा मकसद रहेगा। साथ ही साथ वनों की सुरक्षा एवं संवर्धन में ग्रामीणों का सहयोग जितना हमें मिले उसके लिए मैं हम लोग प्रयासरत रहेंगे और आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा तो हम लोग जागरूकता के माध्यम से लोगों में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का मैसेज दे पाएंगे। न्यूज़ के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। ये आपकी उंगलियां भी बढ़तेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाए? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।